चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल स्टूडेंट कैन हेल्प यू। कैसे हम अच्छे लोग सारे। आज का वीडियो अगेन बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कोर्स के बारे में। जी हाँ, जिन बच्चों को भी ट्वेल्थ के बाद स्पोर्ट्स लाइन में अपना कैरियर बनाना है, स्पोर्ट्स फील्ड में अपना कैरियर बनाना है, पढ़ने लिखने में थोड़ा सा कम ध्यान है लेकिन खेल कूद में, स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अगर आपको इंटरेस्ट है तो क्यों ना अपना जो कैरियर है वो स्पोर्ट्स लाइन में ही बना लिया जाए। तो पैशन को प्रोफेशन में बनाने वाला ये कोर्स क्या है, कैसे इस कोर्स को करना है, सब्जेक्ट क्या पढ़ाए जाते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, सब कुछ ए टू जेड आज के वीडियो में मैं समझाने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा चलते हैं बोर्ड पे। चलिए, कोर्स का नाम है बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, इसको BSM शॉर्ट फॉर्म से भी जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं इस कोर्स के थ्रू सिखाया क्या जाता है, आपको कैसी जॉब मिलने वाली है, आपका कैरियर किस पाथ पे या जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी आप किस एरियाज में आपको मिलने वाली है, राइट। चलिए देखिए, अरेंजिंग इवेंट्स, जितने भी स्पोर्ट्स वगैरह के इवेंट्स होते हैं वो अरेंज करने का आपको आइडिया, आपको नॉलेज, आपको स्किल आ जाएगी। तो बड़े बड़े जो क्रिकेटिंग इवेंट्स होते हैं, IPL वगैरह के जो इवेंट्स होते हैं, बैडमिंटन वगैरह के, फुटबॉल वगैरह के जो स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं, आप वो अरेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। प्रमोशन ऑफ इवेंट्स, आप इवेंट्स को प्रमोट कैसे करते हैं स्पोर्ट्स इवेंट को, वो बताया जाता है। नॉलेज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, जितने भी स्पोर्ट्स हैं स्पेशलाइजेशन में कई कई जगह आप चुन सकते हैं कि आपको किस स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, किस स्पोर्ट्स के बेसिक वगैरह आप सीखना चाहते हैं, किस स्पोर्ट्स की डीप स्टडी आप करना चाहते हैं, तो उससे जितनी भी नॉलेज है वो दी जाती है। मेडिसिन एंड न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाता है कि यार स्पोर्ट्स प्लेयर है, कोई एक टीम का प्लेयर है, उसको क्या क्या मेडिसिन हेल्प चाहिए, क्या क्या न्यूट्रिशन वगैरह में ध्यान दिया जाता है, राइट। क्योंकि जितने भी कोचेज वगैरह होते हैं अल्टीमेटली आपको ये कोच बनाता है टीम के साथ। देखिए, टीम 11 जनों की अगर क्रिकेट की बात करें तो उसके बाद भी जितने 7 से 8 जो टीम में स्टाफ मेंबर्स रहते हैं, राइट, जो फिजियो होते हैं, जो मेडिसिन वगैरह के देखते हैं, न्यूट्रिशन वगैरह का प्लान बनाते हैं, सपोर्ट स्टाफ जिनको बोलते हैं, आप किसी भी एक नेशनल इंटरनेशनल टीम के हिस्से बन सकते हो ये कोर्स कर और इन फील्ड में नॉलेज लेकर। हो रहा बच्चों क्लियर? तो मेडिसिन एंड न्यूट्रिशन की आपको नॉलेज दी जाती है, स्पॉन्सरिंग स्पोर्ट्स इवेंट कैसे करने हैं उसकी नॉलेज दी जाती है, और रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेंड वगैरह कैसे करना है। देखिए, प्लेयर्स वगैरह होते हैं 11, लेकिन उनके लिए कोच होता है, बॉलिंग कोच अलग होता है, फील्डिंग कोच अलग होता है, राइट। आपके अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट अलग होता है प्लेयर्स वगैरह का, ताकि उनका जो एंग्जाइटी लेवल है, जो एग्रेशन वगैरह है, वो कंट्रोल करा जाए। तो ये सारी चीजें इस कोर्स के थ्रू आप सीखने को मिलती हैं और इस कोर्स में आप बन सकते हैं आगे जाके उस रेलेवेंट फील्ड से जुड़े, यस और नो। चलिए, अब थोड़ा सा डीप जाके देखते हैं इस कोर्स में कैसे एनरोल करना है, एडमिशन प्रोसेस वगैरह क्या है और तरीका क्या है, कैसे हमें पढ़ाया जाएगा और बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं। चलिए, कोर्स का लेवल की बात करूं तो ये अंडर ग्रेजुएट लेवल है, 12th के बाद करा जाना है वाला ये कोर्स। आपको ड्यूरेशन पड़ेगी इसके 3 साल, राइट। तो यूजी लेवल का 3 साल का ये कोर्स है, आप 12th के बाद ये कोर्स कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 फ्रॉम आर्ट्स। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस में जो मैंने देखा है क्राइटेरिया, आर्ट्स जो हमारा स्ट्रीम होती है उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कॉमर्स और साइंस के बच्चे नहीं कर सकते। बहुत से कॉलेजेस में साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे भी BSM कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। मिनिमम 50% मार्क्स आपके 12th स्टैंडर्ड में होने चाहिए। पूरा बच्चों क्लियर? तो 12+2 होनी चाहिए आपकी विद 50% मार्क्स। यहां तक क्लियर हो रहा है? आपके अगर इतनी परसेंटेज है तो एडमिशन प्रोसेस में या तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है या फिर आपकी 12th परसेंटेज के बेसिस पर ही आपका एडमिशन हो जाता है। तो एज सच कोई दिक्कत नहीं आती है, यस और नो। चलिए, एवरेज कोर्स फी की बात करें, थोड़ा सा ये कॉस्टली पड़ता है, 1 लाख से 2 लाख पर ईयर आपकी जो कोर्स की फी हो सकती है। डिपेंड करता है किस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो, उसकी रेपुटेशन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स कैसा है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है, उसी के हिसाब से आपके जो एवरेज फीस होती है वो कैलकुलेट होती है, यस और नो। चलिए, एवरेज सैलरी की बात करें तो जैसे ही आप ग्रेजुएट होते हैं बी एस
एम कोर्स से, तो यहां पर आपकी जो सैलरी स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 2 लाख से लेकर 8 लाख पर एनम पर ईयर हो सकती है। और आगे जाके जब आप एक्सपीरियंस ले लेते हैं, जब आपको नॉलेज हो जाती है अपने रेलेवेंट फील्ड की, तो बहुत ज्यादा राइट 10, 20, 30 लाख पर एनम तक आपकी सैलरी जा सकती है। यस और नो? चलिए आगे बात करें जॉब प्रोफाइल की, आप किन किन प्रोफाइल में वर्क कर सकते हैं। आप मैनेजमेंट ट्रेनी, जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है किसी भी एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म में, आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग लग सकते हैं। स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर का आप वर्क कर सकते हैं किसी भी क्लब में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। न्यूट्रिशनिस्ट का आप वर्क कर सकते हैं, जहां पर आप डाइट प्लान बनाएंगे, उनके डाइट चार्ट बनाएंगे, जहां पर आप उनको हेल्थ से जुड़े और फूड से जुड़े जितने भी उसके क्राइटेरिया होंगे वो फुलफिल करेंगे। स्पोर्ट्स मैनेजर आप बन सकते हैं। मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती है। और कोच बन सकते हैं हम, अगर आपको रेलेवेंट फील्ड की बहुत अच्छी नॉलेज होती है तो आप क्रिकेट के, फुटबॉल के, बैडमिंटन के, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, उनके कोचेज वगैरह भी बन सकते हैं। यस और नो? चलिए मेन सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर बेसिक जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं मैंने वो डिफाइन कर रखे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरे सिलेबस का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का पूरा सिलेबस आपके लिए बनाऊं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में पूरा सिलेबस हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए, फाउंडेशन कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन आपको पढ़ाया जाता है, राइट? स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जाता है, स्पोर्ट्स लॉ पढ़ाया जाता है, स्पोर्ट्स HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, बिजनेस स्टेटिस्टिक्स ताकि आप नंबर्स के थ्रू सब कुछ एनालाइज या जज कर सकें, अकाउंटिंग फॉर मैनेजेरियल डिसीजन आपको पढ़ाया जाता है, स्पोर्ट्स मार्केटिंग, स्पोर्ट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इंटर्नशिप भी होती है जहां पर आप क्लब्स वगैरह में या फिर जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर आपको 2 से 3 महीने वर्क करना पड़ता है, उसकी एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है कॉलेज में, राइट? तो अगर आप सब्जेक्ट में देखेंगे तो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स और मैनेजमेंट का जेलअप है, मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं ताकि आप जो किसी भी स्पोर्ट्स में जब आप एंगेज करेंगे तो उसको अच्छे से मैनेज कर सकें, एक प्लेयर्स को मैनेज कर सकें, टीम को मैनेज कर सकें। यस और नो? तो मैनेजमेंट स्टाफ आप एज अ प्लेयर के साथ जुड़ सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। क्लियर हो रहा है? चलिए टॉप प्रोफाइल की बात करें या टॉप कॉलेजेस की बात करें, कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि आपको ये कोर्स को ऑफर करते हैं। देखिए टॉप 7 कॉलेजेस मैंने यहां पर मेंशन कर रखे हैं, इसके अलावा बहुत सारे और भी कॉलेजेस हैं जो BSM कोर्स को ऑफर करते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हमारा महाराष्ट्र में है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई मुंबई में है, जॉर्ज कॉलेज वेस्ट बंगाल में है, नेशनल अकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट महाराष्ट्र में है, जय हिंद कॉलेज मुंबई में है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस न्यू दिल्ली में है, और अलीगप्पा यूनिवर्सिटी हमारी तमिलनाडु में है जो कि BSM कोर्स को ऑफर करती है, राइट? तो ये हैं टॉप कॉलेजेस, इनके अलावा या इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस और हैं जहां से आप BSM कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट BSM कोर्स, राइट? इसको करने के बाद मैंने आपको जॉब प्रोफाइल बता ही दी कि आप ये जॉब प्रोफाइल पर वर्क कर सकते हैं, राइट? तो करना क्या है, करना यह है कि मैंने जिन भी कॉलेजेस की वेबसाइट यहां पर या फिर नेम को मेंशन कर रखा है, सबकी इंडिविजुअल वेबसाइट है, आप जा सकते हैं, खुद को एनरोल कर सकते हैं, फोन नंबर से कॉल करके पता कर सकते हैं एडमिशन प्रोसेस का क्या प्रोसीजर है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन है या नहीं है, मेरिट बेसिस पे होते हैं या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन बेसिस पे होते हैं, तो आपको सारी इंक्वायरी पर्टिकुलर कॉलेजेस की वेबसाइट पर मिल जाएगी, राइट? तो जिन बच्चों को भी स्पोर्ट्स फील्ड में अपना कैरियर बनाना है उनके लिए एक आइडियल कोर्स है, राइट? एज अ कोच, एज अ इंस्ट्रक्टर, देखिए इस कोर्स के थ्रू आप बहुत अच्छे क्रिकेटर तो नहीं बनेंगे, बहुत अच्छे एक फुटबॉल प्लेयर तो नहीं बनेंगे, लेकिन दूसरों को सिखाने वाले जरूर बन जाएंगे, राइट? जरूरी नहीं है कि हर कोई सचिन तेंदुलकर बनना चाहे, कई लोग संजय बांगड़ बनकर भी, मतलब कोच बनकर भी, आप रवि शास्त्री बनकर भी पूरी टीम इंडिया को हैंडल कर सकते हैं, राइट? तो यहां पर अगर आपको एक अच्छा क्रिकेटर बनना है, एक बैडमिंटन प्लेयर बनना है, एक फुटबॉलर बनना है, वॉलीबॉल प्लेयर बनना है, बास्केटबॉल प्लेयर बनना है, तो ये कोर्सेज से ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा अपनी स्किल सेट पर, रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। एजुकेशन वहां पर जरूरी है लेकिन इतनी जरूरी नहीं है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वहां पर अगर आपको मेन 11 का हिस्सा बनना है। देखिए दो चीजें हैं, एक होता है मेन प्लेइंग 11 का हिस्सा बनना, प्लेइंग 6, प्लेइंग 5 का हिस्सा बनना, एक होता है स्पोर्ट्स स्टाफ का हिस्सा बनना। ये कोर्स आपको स्पोर्ट्स स्टाफ का हिस्सा बनाएगा, मेन
टॉप प्लेइंग फाइव का हिस्सा नहीं बनाएगा। उसके लिए एजुकेशन इतनी जरूरी नहीं है, एजुकेशन इतनी जरूरी नहीं है। इनकेस फिर भी आप प्राइवेट में एजुकेशन कर सकते हो, मेन फोकस आपका उस केस में होना चाहिए सिर्फ आपका गेम, आपके स्किल सेट कैसे इंप्रूव हो, उसके लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी अच्छे कोच के अंडर में, राइट। जो इस कोर्स को करने के बाद जो कोच बनेगा, उस कोच के अंडर में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा और अपने गेम को इंप्रूव करना पड़ेगा। आई होप सो डिस्टिंक्शन क्लियर हुआ होगा ये कोर्स के थ्रू आप क्या बन सकते हैं फ्यूचर में, राइट। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी आप क्लिक कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।